जगह गया जाजपुर, वहां उत्सव में गया। उत्सव में जाने के बाद वहां के कुछ लड़के लोग बोले कि यहाँ एक एक जेल है, सुधार जेल है, दादा आप उसमें चलिएगा। तो हम बोले मैं क्या अपराध किया हूं जो जेल में जाऊंगा? बोले नहीं दादा, वहां के जेलर बोले हैं यहाँ पर कुछ सत्संग करने से, दीक्षा करने से अच्छा होगा। बोले क्यों? तो बोला वहां जो सबसे बड़ा जो टेरर था उस जेल का, वो दीक्षा लेके इतना चेंज हो गया, वो चाहता है बाकी लोग में भी वो चेंज आ गए। मैं आपको क्या कहूं, मैं उस जेल में जाकर के दीक्षा लेने के लिए, उस जो लोग जो अपराधी लोग थे जैसे बैठे थे नहा धो करके दीक्षा लेने के लिए, मेरे आंख भर आए। ठाकुर जी जो बोलते सबके लिए वो है, आज उसको ये फील हो रहा है कि ठाकुर मेरे लिए भी है। और वहां पर 47 लोगों की, अपराधियों की दीक्षा हुई, और उन लोग जिस भाव के साथ दीक्षा लिया, मुझे आश्चर्य लग गया। मैं बोला कि देखिए, एक मुहूर्त में आपके पास कोई वृत्ति प्रवृत्ति आप पर काबू हो के आपसे गलत काम करा लिया है, आप यहां आ गए हैं। और बाद में पता चला उसमें बहुतों का जमानत भी हो गया। मैं जब उनको बोला था आप लोग नाम ध्यान कीजिएगा, तो बोला आप तो जेल से बाहर हो गए दादा, नाम ध्यान कैसे करें? हम बोले आप बाहर में रह करके नाम ध्यान करके और लोगों को रास्ता दिखाइए जिसे जेल जाने की नौबत नहीं आ गई। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ सत्संग टू द सोसाइटी, इसको स्केल नहीं किया जा सकता एक दो घटना के माध्यम से। आप यदि सर्वे करेंगे 100 आदमी में से यदि 10 आदमी के मदर फादर, 1000 में से यदि 100 आदमी के माँ पिताजी ओल्ड एज होते हैं, सत्संगी में 1,00,000 में भी एक आदमी मिलेगा ये नहीं संदेह है। मैं इसे जानता हूं, मैं सर्वे करते रहता हूं। हर घर में आप चेक करके देखिए आसपास में, यदि कोई कहता है ठाकुर का दीक्षा लेने से क्या हुआ, आप बच्चे को देखिए सवेरे उठ करके इष्ट भीति के माध्यम से अपने सोर्स के प्रति एक एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड उसको निकालता है, अपने माँ पिताजी को प्रणाम करता है। वो विदेश में भी रहता है तो माँ पिताजी के लिए जैसे करता है, ऐसा बाहर जगत में बहुत कम ही दिखता है। आप एक अच्छा आदमी, एक अच्छा संतान यदि परिवेश में देते हैं, उससे कितना क्राइम रुक जाता है आप सोचिए तो। आज रास्ता चलते इज्जत बचाना मुश्किल है नारियों का, चलते फिरते कितनी अवस्थाएं कैसी आती है। यदि इन लोगों के गार्जियन, यदि सुकेंद्रिक होते, इन लोगों के गार्जियन अपने जीवन को नियंत्रित करते, तब आज ये स्थिति नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कब करते हैं, जब घाव हो गया तब उस पर दवा, घाव नहीं हो। इसीलिए ठाकुर जी का प्रोजेक्ट है मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग होने का उपाय क्या है? दीक्षा, शिक्षा और विवाह। आप लोग जानते हैं कि ये जो 3 पिलर्स है, दीक्षा मैंने दक्षता अर्जन करने का पथ, जहां जाने से मुझे डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ मिलेगा, जिनका एक्ट ये जो जजन जाजन स्टूडेंट करते हैं, इसका मतलब एक्जिस्टेंशियल थिंकिंग, एक्जिस्टेंशियल स्पीकिंग, एक्जिस्टेंशियल डूइंग, ये कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। एक आदमी जब जजन जाजन स्टूडेंट करता है, उसका लाइफ में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन आता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में इसको अप्लाई कर सकता है। जाजन मतलब एनवायरमेंट, ठाकुर जी बोलते हैं आइडियल इंडिविजुअल एनवायरमेंट, इस तीनों के कोऑर्डिनेशन के बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए जो हम लोग उत्सव करते हैं, जाजन कर रहे हैं, दीक्षा जप कर रहे हैं, आचार्य देव बोल रहे हैं, जगह जगह जाओ परमपिता की बातों को सुनाओ, ऐसा कोई आदमी नहीं है। मैंने मिडिल ईस्ट में गया, लोग कहते थे, मैं सुनता था कि वहां पे दूसरा कोई प्रॉफिट का नाम मत बोलिए, गुस्सा जाएंगे, रिएक्ट करेंगे। अरे आश्चर्य करेंगे, हजारों हजार गुरु भाई लोग मिडिल ईस्ट में अजमान में बैठ करके उत्सव किए, पाकिस्तान कल्चरल सेंटर में जाकर के हम लोग उत्सव किए, और वहां दीक्षा आए हुए मुस्लिम लोगों को हो रही है। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आचार्य देव के आशीर्वाद से दीक्षा नहीं हो रही है। चाहे नॉर्वे ले, जर्मनी ले, मिडिल ईस्ट ले, अफ्रीकन कंट्री जाए, सबको जरूरत है, क्योंकि ठाकुर जी सबके लिए आए हैं। ये कोई भाषा, कोई प्रांत में कन्फाइंड नहीं है। सूरज का रोशनी सबके लिए है। डाब का पानी यदि पूरी का आदमी पिएगा तो मीठा लगेगा और दिल्ली का आदमी को तीता लगेगा, ऐसा नहीं।
इसलिए हमें यह सोचना है हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, यदि इसका कोई सफर इसमें यदि होता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि जो सफरिंग का जो सॉल्यूशन है उनके साथ उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करा दिए, उसको इंट्रोड्यूस करा देना हर आदमी को, चाहे मेरे परिवार के हो, मेरे आसपास है, मेरे वर्किंग प्लेस में हो, ये डिसिप्लिन उनको दे देना है और ठाकुर जी को रिवील करना होगा साधना के माध्यम से। ठाकुर जी का जो सबसे बड़ा चीज था एकात्म बोध, ठाकुर जी के जीवन में दिखता था। ठाकुर जी कहां बैठ करके डिस्पेंसरी में बैठे हुए हैं, हटा दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते जा करके दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनका एक भक्त अनंतनाथ वो गला में फांसी दे रहा है, दरवाजा खोले गला में रस्सी लटका हुआ है, अनंत तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, वो तो आवाज कि मैं तो चुपचाप ईश्वर के खोज में जा रहा हूं। ठाकुर बोलते हैं तुम्हारे आसपास भगवान घूम रहे तुम देख नहीं रहे हो, कहां पर वो दे रहे हैं ठाकुर, कहां सुन रहे हैं, ऐसा उनका एकात्म बोध होगा। ऐसा भी देखा गया है कुछ लोग, कुछ दो चार साथी मिल करके ठाकुर से कुछ प्रश्न करेंगे, उस विषय में ट्रेन में आलोचना करते हुए आ रहे हैं, जब ठाकुर बारी में आए हैं वो प्रश्न को ठाकुर जी के पास रखे हैं, तो वहां पर जो भक्त जो लिखते हैं वो कह रहे हैं अरे इसी बात का उत्तर तो ठाकुर जी दोपहर में वाणी में दे रहे थे, हूबहू वही प्रश्न वही उसी के अगेंस्ट में उत्तर। जब वो टाइमिंग देखते हैं तो अब पता चला जिस समय ट्रेन में वो साथी अपने साथी से वो प्रश्न कर रहा था, ठाकुर जी यहां पर उस समय वो उत्तर दे रहे थे। ही इज ओमनीप्रेजेंट। हजारों हजार ऐसी घटनाएं हैं। ठाकुर जी कहते हैं व्हेनेवर यू कॉल मी आई हियर यू। जब उनसे पीछा गया इफ आई विश दैट यू अपीयर, ठाकुर जी बोले आई विल अपीयर विथ यू। फिर वो कहता है व्हाई विथ व्हाई नॉट बिफोर, तब ठाकुर जी बोलते हैं कि डाकार मतन डाकले ताओ होते पारे, उनके वाइब्रेशन में पुकारना होगा, इन ट्यून होना होगा उससे। ये जो होली नेम हम लोगों को मिलता है दैट इज द सोर्स कोड ऑफ क्रिएशन, जब उसमें से हम उस वाइब्रेशन से उनको जब हम पुकारते हैं देन आई कैन फील व्हाट इज गुड टू माय एग्जिस्टेंस व्हाट इज नॉट गुड टू माय एग्जिस्टेंस। वो जो हम लोग कहते हैं कि एक मन की जो बात होती है, जो इनर फीलिंग जो होती है, ऐसा करना चाहिए नहीं, उसको मानना चाहिए। बहुत समय आचार्य देव बोलते हैं कि फर्स्ट से उसको रिस्पॉन्ड देना चाहिए, इसके मतलब परमपिता वो नॉक दे रहे हैं तुमको, वो चीज करना चाहिए। नाम ध्यान करने से ये सेंस फाइनर डेवलप करता है, इसलिए दीक्षा ऐसा जगह लेना होगा जहां मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा दाम्पत्य जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन सुंदर हो सके। आप जितना भी कमाएं जो कुछ भी करें, यदि हमारा जीवन नियंत्रित नहीं हो तो मेरे बच्चे का जीवन नियंत्रित नहीं हो। एक बहुत बड़ा साइंस है दाम्पत्य जीवन को लीड करना। ठाकुर जी के छोटे छोटी वाणी में बोलते माँ पिता आपस में झगड़ा करते पुत्र पुत्रिया देखे बर्बादी के सदर द्वार पर बच्चों को रखे। जब कोई बच्चा देखता है माँ पिताजी के बात को काट रही है, पिता माँ के बात को काट रही है, तो बच्चे के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, किसको माने किसको नहीं माने, अश्रद्धा पैदा हो जाता है। फिर मैं सोचता हूं मेरा बच्चा मेरा बात नहीं मानता है। इसलिए ठाकुर जी का जो चीज है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये मेरा काम ये ठाकुर जी का काम ऐसा करने से नहीं होगा। मेरा सब काम ही ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी का काम मतलब जो बेनिफिशियल टू लाइफ एंड ग्रोथ हो। यदि मैं अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे रहा हूं वो ठाकुर जी का काम है। मैं अपने बच्चे के अंदर में आचार्य प्रीति पैदा कर रहा हूं वो ठाकुर जी का काम है। आप देखिए ना, आप अपने बच्चे के अंदर में ऐसा एक प्रेम भाव पैदा कर दीजिए जैसे आपसे मिलने के लिए छटपट कर रहा है, देवघर जाने के लिए छटपट करे, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, आचार्य देव का दर्शन करने के लिए, भवैदा का दर्शन करने के लिए छटपट करेगा। आप देखिएगा आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा उस एक जगह जाने से उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ऐसा है। इसीलिए हम लोगों को एक कंपार्टमेंट्स, मेरा काम ठाकुर जी का काम, मेरा वर्किंग प्लेस में यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं वो भी एक जाजन है। आपके जो
बॉस है वो पूछेंगे ये आदमी कितना अच्छा काम कर रहा है, एग्जाम्पल दिखाएंगे, आपके विषय में परिचित होंगे, फिर आप जिनसे परिचित है, जिनसे आपका परिचय है ठाकुर के विषय में, वो उनसे कनेक्टेड होंगे। यदि इस तरह से हम लोग चलते हैं, ये जो एक सुंदर परिवेश की बात आचार्य श्री दादा सब समय कहते हैं, उनका जीवन की बात, उनकी घटनाएं बोल के समाप्त नहीं किया जा सकता, असंभव है। वही एबनॉर्मली नॉर्मल, वही वाइजली पुलिस, वही गॉड जस्टली सिंपल जो ठाकुर जी में इफल्स किया है, उसी का एक्सप्रेशन आचार्य देव में ठाकुर परिवार में हम लोग पाते हैं। जब तक उनके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे वो बोध नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग नहीं जुट रहे हैं, यदि उनके प्रति मेरा अटैचमेंट होगा वो अटैचमेंट से मैं हिस्ट्री प्रतिष्ठा में लगा दूंगा। वो इसीलिए एक लिविंग सोर्स ऑफ अटैचमेंट यदि हमको चाहिए, लिविंग पोटेंशियल्स ऑफ ठाकुर जो है उनके साथ यदि मेरा अटैचमेंट होता है तो डेवलपमेंट मेरा होना ही है, होगा ही।